नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलपरा गांव के पास में पैदल चल रहे वृद्ध को फोर व्हीलर वाहन ने मारी ठोकर, वृद्ध की मौके पर ही मौत। आपको बता दें, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलपरा गांव के पास एक वृद्ध को फोर व्हीलर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही वृद्ध की मौत हो गई। परिजनों द्वारा मीडिया को बताया गया कि मृतक शिवशरण साकेत अपने घर के पास खाना खाने के बाद घर के ही बाहर रास्ते में टहल रहे थे, तभी अचानक टाटा सफारी फोर व्हीलर वाहन ने वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर हालत में रास्ते में गिर गए। वहीं वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बिछिया पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। परिजनों द्वारा वृद्ध का संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रामफल चौधरी। तो क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट हुआ सर। कितने बजे घटना है, कैसे? ये 9:20 के तकरीबन है। वो रोड में खाना पीना खा के टहल रहे थे, क्योंकि ऐसे भी पेशेंट थे, थोड़ा सा चलने फिरना टहलना उनका काम था शाम को खाना खाने के बाद। उसी दरमियान जो है टाटा सफारी वाहन से, जो कि वो मैरिज गार्डन है उनका, रिंग रोड की गाड़ी है। कौन सा मैरिज गार्डन? कहाँ से कहाँ जा रही है गाड़ी? सिलपरी स्कूल की तरफ से महाजन टोला गड्डी रोड की ओर आ रही थी। वो पैदल जा रहे थे? जी हाँ, पैदल जा रहे। मृतक इनका क्या नाम क्या है? शिवचरण साके। कितने साल के होंगे? इनकी उम्र है 73 वर्ष। कहाँ पर घटना घटी है? सिलपरी। थाना कौन सा लगता है? बिछिया। काफी घटना है ये, कल मतलब 28 कल रात 28 9:20 की घटना। गाड़ी पकड़ गई? जी हाँ, गाड़ी पकड़ गई है। घर से खाना खा के बाहर निकले हैं? और हाँ, घर से 200 मीटर की दूरी पे रोडई में, रोड के किनारे मकान भी है और टहल रहे थे जी।